हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्लाउज, फोर टक्स ब्लाउज कटिंग करेंगे। इसका सीना होगा 34 इंची। तो 1/4 लेंगे हम 8.5 इंची। तो 8.5 इंची हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और 8.5 इंची हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो सीना होगा इसका 34 इंची, कमर होगा इसका 28 इंची और लंबाई होगा इसका 14 इंची। तो इस आधार पर हम इसको कटिंग करेंगे। 14 इंची लंबाई होगा तो मैं इसमें 15 इंची पर लंबाई रखेंगे, 1 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 15 इंची, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से ऐसे करके तो ये देखिए यहाँ से हम 8.5 इंची पर निशान लगा लिए, तो ये 34 इंची के लिए रेडी हो गया। अब हम यहाँ से लगाएंगे ऐसे करके इसका शोल्डर बोल सकते हैं या ऊपर का कंधा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लगाएंगे 5 इंची पर निशान, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ से इसका गहराई भी देंगे 5 इंची इस तरह से। यहाँ पर भी लगाएंगे ऐसे करके 5 इंची। अभी हम पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे, फिर हम आगे का पल्ला कटिंग करेंगे। ये देखिए पीछे का पल्ला है, तो यहाँ से हम 1 इंची पर ऐसे करके गुलाई देंगे। पहले कांखी समझ लीजिए, फिर हम गला बताएंगे। ये देखिए इस तरह से देख लिए, इतना ये कपड़ा बच गया, ये सिलाई मार्जिन है। अब इसमें हम गला बनाएंगे, यहाँ से गला बनाएंगे 2 इंची पर, यहाँ निशान लगाएंगे और इसका हम गला का लंबाई देखेंगे। तो यहाँ से गला का लंबाई हम लेंगे ऐसे करके 9 इंची। ऊपर हम 2 इंची लिए हैं, तो नीचे हम 2.25 इंची लेंगे। आप चाहे तो 2.5 इंची भी ले सकते हैं। इस निशान को हम यहाँ से ऐसे करके गोलाई बनाएंगे। पहले चौकोन बनाएंगे, फिर इसमें हम गोलाई बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे करके गोल बनाएंगे। आप चाहें तो जिस आकार में बनाना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो इसका कमर है 28 इंची, तो 1/4 हम लेंगे यहाँ से 7 इंची, 7 × 28 इंची हो जाएगा, और इसमें हम लेंगे 1 इंची सिलाई मार्जिन, नहीं 1 इंची हम लेंगे इसमें टेकिंग लगाने के लिए। और इसमें ये देखिए यहाँ से हम 1 इंची लिए हैं, तो इधर भी हम 1 इंची पर निशान लगाएंगे और बाकी का कपड़ा हम कटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पर हो गया है इतना तक फिटिंग का, तो इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करके जितना हम लिए हैं उतना यहाँ से कमर तक आ रहा है 8.5 इंची, इसको हम यहाँ से हाफ करेंगे। इसमें हम टेकिंग का निशान लगाएंगे, इसका टेकिंग का उठाव हम 4 इंची पर बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए 0.5 इंची का हम बनाएंगे, तो 0.5 इंची यहाँ ऐसे करके लेंगे, ऐसे करके लेंगे, इसको हम ऐसे करके शेप बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से कटिंग इसका निशान लग गया है, सेम हम इसी पर कटिंग कर देंगे। देखिए कितना इजी और आसान तरीका हमने आपको बताया। कभी भी आप आर्म होल लीजिएगा, 5 इंची से ज्यादा नहीं लीजिएगा। जैसे कि सीना बढ़ेगा तो इसका काखी का ये भी बढ़ेगा, तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। कितना भी सीना होगा उतना ही, 5 इंची से ज्यादा नहीं लीजिएगा। हाँ, अगर कटोरी कट है तो उसमें ज्यादा लगता है, लेकिन सिंपल ब्लाउज में इस सब में नहीं लगता है। अब यहाँ से हम तो इसमें गोल गला बना रहे हैं, लेकिन आपको जो गला बनाना होगा वो गला बना सकते हैं। ब्लाउज में अक्सर गोल ही ज्यादा करके अच्छा लगता है, तो गोल ही बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे। ये देखिए ये तीरा से
यहाँ टेकिंग से थोड़ा सा हम ऐसे करके डाउन में शेप देंगे थोड़ा सा एक सूता के, तो इसका फिनिशिंग और भी बढ़िया आता है। इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे और इसका हम इधर से एक कट का निशान लगा देंगे, ताकि ये जब टेकिंग उगेगा, मतलब जब सिलाई होगा, तो ये दोनों तरफ सेम टेकिंग उगेगा। इसको हम यहाँ से ऐसे भी उगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे करके, अब ये पीछे का पल्ला कटिंग हो गया है। अब हम आगे का पल्ला कटिंग करेंगे। आप चाहे तो इसको सेम इस पर रख के भी बना सकते हैं, नहीं तो अलग से नाप के भी बना सकते हैं। तो मैं आपको अभी इसको सेम रख के ही बताती हूँ। ये देखिए, इसको हम यहाँ से ऐसे करके रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से रखने के बाद ये देखिए पीछे का पल्ला हम लिए हैं 15 इंची पर, तो आगे का पल्ला हम लेंगे यहाँ से ऐसे करके। पीछे का पल्ला लिए हैं 15 इंची, तो आगे का पल्ला हम यहाँ से उतना ही पर लेंगे, और यहाँ से ये देखिए 1.5 इंची कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको हम यहाँ से आर्म होल पहले देख लेंगे, यहाँ तक आ रहा है। सेम इसको हम ऐसे करके उगा देंगे, और ये देखिए यहाँ तक आ रहा है। इसको भी हम यहाँ से ऐसे करके निशान लगा देंगे। अब हम इस ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से भी इसको हटा देंगे। ये पीछे का पल्ला हुआ से, ये देखिए इतना तक भी उगा के बना सकते हैं आप चाहे तो। ये देखिए 5 इंची बिल्कुल ठीक है। यहाँ से भी हम लेंगे ऐसे करके 5 इंची, तो इसको हम यहाँ से निशान उगाएंगे और यहाँ से भी ऐसे करके निशान उगाएंगे। यहाँ पर भी देख लेंगे 5 इंची यहाँ आ रहा है, ये देख सकते हैं। इस तरह से आगे पीछे के पल्ला में हम 1 इंची पर लिए हैं, आगे के पल्ला में आधा इंची पर लेंगे। इस तरह से इसको हमको यहाँ से ऐसे करके गोलाई बनाना होगा। इसका एक चौथाई सीना लेंगे 8.5 इंची। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे 8.5, हम यहाँ नीचे भी लगाएंगे। इस तरह से इसको हम सीधा कर देंगे। ये देखिए इधर हो गया, ये काठी का हो गया। अब हम यहाँ से पहले हम इसको कपड़ा को सीधा नहीं किए हैं, तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम गला के लिए बनाएंगे ऐसे करके 2 इंची पर, यहाँ निशान लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे करके 2 इंची। आपको जितना गला रखना होगा उतना लीजिएगा, लेकिन नॉर्मल 6 इंची पर बनता है, तो मैं यहाँ से 6 इंची पर निशान लगाऊंगी। ऊपर 2 इंची लिए हैं, तो मैं नीचे में ऐसे करके 2.25 इंची पर निशान बनाऊंगी। इसको हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। इसमें आप गोल भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं, तो मैं इसमें गोल ही बना रही हूँ, या पान गला भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हम ये 34 इंची सीना का है, तो मैं यहाँ से तीरा बनाऊंगी 13 इंची पर। ये देखिए यहाँ पर निशान उगाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे करके सीधा निशान उगाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको हम ऐसे करके, ये देखिए यहाँ से 8.5, इसको हम हाफ कर देंगे। जब भी आप टेकिंग के लिए निशान लगाएं, तो तरीका यही रखिएगा, यहाँ से हाफ करके, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से हम इसका 2.5 इंची पर उठा देंगे, यहाँ से इधर 1 इंची, इधर 1 इंची, इधर। चाहे आप चाहे तो 1 इंची से कम भी ले सकते हैं, मैं 1 इंची पर ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से गला से यहाँ तीरा टेकिंग से 2 इंची इधर लेंगे,
दो इंची हम इधर भी लेंगे और दो इंची इधर लेंगे। ये देखिए कितना आसान तरीका से हमने इसको टेकिंग को बना दिया। ऐसे और एक यहाँ से ऐसे, और ये देखिए ये टेकिंग यहाँ तक आना चाहिए, इसके बीचों बीच नहीं आना चाहिए इस तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा डाउन करके यहाँ से ऐसे बनाएंगे और एक यहाँ से ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम ऐसे ही कटिंग कर देंगे, से हम एक इंची पर यहाँ से ऐसे करके बनाएंगे इसको ऐसे करके। ये देखिए इसको सेम ऐसे ही उगा देना है, इसी पर कटिंग कर देना है। अभी इसको हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हम गला कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम इसका तीरा कटिंग कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा गुलाई करके दीजिएगा और भी फिनिशिंग के साथ आता है। ये देखिए इधर से थोड़ा सा एक सूता चढ़ा के लीजिएगा और यहाँ से ये जो कपड़ा हो गया इसको हम कटिंग कर देंगे। सिलाई करके अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा बच जाएगा तो कटिंग करके निकाल दीजिएगा, पहले कटिंग नहीं कर। इतना कटिंग हम इसलिए कर दे रहे हैं जब ये टेपिंग इसमें पड़ेगा तो ये अपने आप कपड़ा तन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हो गया इसको। इसमें आप टेकिंग बनाइएगा ना बिल्कुल फिटिंग के साथ, फिनिशिंग के साथ इसका पफ फूलेगा बहुत ही खूबसूरत के साथ। ये देखिए इसको सेम इधर भी टेकिंग उगा निशान उगाने के लिए इसको हम यहाँ से ऐसे रखेंगे और इसको हटा देंगे। देखिए हल्का हल्का उग गया है, इसी पर हम डार्क कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ये देख लीजिए तीरा इसको यहाँ से ऐसे बैठाना है, एक तीरा यहाँ पर बैठाना है और एक तीरा यहाँ पर बैठाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।